हेलो बच्चों, मैं अमित झिंदड़ और हम लोग स्टडी कर रहे थे कैपेसिटर की। कैपेसिटर का हमने एक ही लेक्चर अभी तक किया था, इंट्रोडक्शन, कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर का बेसिकली यूज़ क्या है। अब कैपेसिटर के यूज़ हमने पढ़ा था कि हम लोग बेसिकली एनर्जी स्टोर करने के लिए हम उसको यूज़ किया करते हैं। अब एनर्जी को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हमें, मैं आपने आपको बताया था कि हम लोग बेसिकली एक कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर पे चार्ज को हम लोग स्टोर करते हैं, यानी कि कंडक्टर पे चार्ज का खेल हमें खेलना था। अगर हम कंडक्टर पर चार्ज का खेल खेलें तो किस तरह से होगा और उससे किस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस डेवलप कर पाएंगे, ये अपनी आज की चर्चा है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है ना, और इस कंडक्टर में हम लोग चार्ज स्टोर करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ढेर सारा चार्ज दिया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसको हम चार्ज देते गए। अब सीधी सी बात थी, जब इसको चार्ज देते गए तो चार्ज देने से इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता गया। अब चार्ज देने से इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो उस पोटेंशियल के चार्ज देने से इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल वी, है ना। मैं अभी इसका रिलेशन सेट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बट एक बार मैं आपको फील दिला दूँ कि किस तरीके से सब काम हुआ। हमने यहाँ से इसको कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज ला के दिया और वो पॉजिटिव चार्ज जब पहला चार्ज दिया था तो वो बड़े आराम से उसके अंदर रह रहा था, लेकिन जैसे हमने दूसरा चार्ज दिया तो वो दोनों चार्ज शुरू रिपेल करने लगे आपस में दूसरे को। तब हमने तीसरा चार्ज दिया तो वो तीसरा चार्ज उन दोनों चार्जेस ने रिपेल किया, बट मैंने इसमें फोर्स लगा के उस चार्ज को इसमें इंसर्ट करा दिया, इसमें डाल दिया। अब जब वो चार्ज मैंने इसमें इंसर्ट कराया तो उस चार्ज के इंसर्ट करा देने पर इसका पोटेंशियल बढ़ गया, क्योंकि चार्ज बढ़ जाने से, क्लियर है, चार्ज बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ा। बच्चे ध्यान से सुनने वाली बात है कि इसका पोटेंशियल एक इस लिमिट तक बढ़ा कि जैसे ही, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमने कुछ नंबर ऑफ चार्ज में इकट्ठे किए थे, जैसे ही हमने चार्ज ज़्यादा बढ़ाया इसके साइड में जो एयर मॉलिक्यूल था, एयर मॉलिक्यूल, उस एयर मॉलिक्यूल से इन सभी पॉजिटिव ने मिलकर एक नेगेटिव चार्ज को छीन लिया और इन पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, क्योंकि इसका नेगेटिव छीन लिया गया तो इस पॉजिटिव को दुनिया में अब कोई नहीं, और इसको रिपेल कर दिया गया तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव रिपेल होकर दूर चला गया और इसमें जो चार्ज बढ़ने की टेंडेंसी थी वो कम हो गई, क्योंकि हमने एक पॉजिटिव दिया दूसरा नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। अब एयर के इंसुलेशन ब्रेकडाउन के बाद हम लोग चार्ज स्टोर नहीं कर पाए। अब तब हम लोग चार्ज स्टोर नहीं कर पाए तो हमने कोई दूसरा रास्ता निकाला, हमने यहाँ से एयर से जाके बात की, भाई आप चार्ज को दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा ये बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है, इसकी वजह से चार्ज मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ रहा है, अपना ये इलेक्ट्रॉन छीन ले रहा है मुझे ज़बरदस्ती। हमने यहाँ पे एयर को हटाकर कोई दूसरा सराउंडिंग लाइक वाटर यहाँ पे रखना पड़ा, वाटर ने भी ऐसा किया। ऐसा होते 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 हमने एक दूसरा कंडक्टर इसके साइड में ला के रखा और उस कंडक्टर में इंडक्शन से यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे आया था, वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ से कनेक्ट करके हमने क्या करा दिया, उसको अर्थ में भेज दिया था और एक पॉजिटिव प्लेट चार्ज हो गई और दूसरी नेगेटिव चार्ज प्लेट हो गई, और इसका जो एक फॉर्मेट रेडी हुआ अपने पास, उस फॉर्मेट को कहा गया इस तरीके से कि एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दूसरी प्लेट साथ साथ अर्थ से भी कनेक्टेड है, और उसको कैपेसिटर बोला गया। आइए मैथमेटिकली मैं आपको समझाता हूं कि जैसे ही हमने बेसिकली स्टार्टिंग में चार्ज को बढ़ाया तो चार्ज के इंक्रीज होने से आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल वी, मीन्स हम कहने लगे कि चार्ज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल वी, अगर हम वी को बढ़ाते हैं तो चार्ज बढ़ जाता है, बहुत अच्छी बात थी। अब तब हमने ऐसा देखा तो हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना था, इसलिए कॉन्स्टेंट आना था, और हमने देखा क्यू इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट हमने लगाया सी, मीन्स क्यू इज इक्वल टू सी वी, और सी को क्या बोला गया, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसको सी बोला गया, एंड दैट कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, दिस इज द रेशियो ऑफ क्यू बाय वी, यानी कि चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है उस चार्ज पोटेंशियल के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर मान लीजिए डिफाइन करने की बारी आए, पहले मैं इसका यूनिट बना देता हूँ, बेसिकली क्यू अपॉन वी यानी कि कूलम पर वोल्ट, बट एक साइंस फेरेड ने सब बहुत काम किया, उस साइंस के नाम पर हम इसका यूनिट क्या रखते हैं, फेरेड, फेरेड इसकी यूनिट यूज़ की जाती है।
कैपेसिटर सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी में माइंड ध्यान देने वाली बात है कि इसका अगर मैं डिफाइन लिखना चाहूं तो इसका डिफाइन ऐसा होगा, डिफाइन अगर v को मैं 1 कर देता हूं, इफ v इज इक्वल टू 1 देन c इज इक्वल टू q, तो कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज स्टोर्ड इन इट इफ द चार्ज इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस इज 1 यूनिट. तो c q के बराबर हो जाता है इफ v इज इक्वल टू व्हाट 1 हेंस यूनिट राइट. इसको अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए मैं पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता हूँ तो सी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ तो सी की सेहत पे क्या असर होगा, तो आंसर है सी कांस्टेंट रहेगा. बच्चे इसको बहुत मिस्टेक कर देते हैं लोग कि वी को इंक्रीज करेंगे कहेंगे सी डिक्रीज हो जाता है. नहीं, क्यू और सी का रेशियो चेंज हो सकता है, वी बढ़ाया हमने तो क्यू बढ़ सकता है, बट सी तो एक कांस्टेंट था, सी कांस्टेंट ही रहेगा, सी इंक्रीज नहीं होता है. और अगर सी इंक्रीज नहीं होता है तो ऑफकोर्स कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो क्यों इंक्रीज होना पड़ेगा. तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बना, अपने पास कैपेसिटर का फॉर्मूला बना, एक सिंपल सबसे पहला फॉर्मूला बना, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी. यानी कि बेसिकली कैपेसिटेंस इज व्हाट, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल. चार्ज एंड पोटेंशियल का जो रेशियो है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं और वो कांस्टेंट है जिसकी यूनिट हो सकती है फेरेड. डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका बना सकते हैं, बट इस यूनिट को बहुत लार्ज बहुत बड़ा समझा गया है क्योंकि इसके लिए हम लोग कैपेसिटी की तब यूज़ करें, कैपेसिटी की तब बात करेंगे तो उस कैपेसिटी के लिए हम लोग डिस्कस करके बताएंगे कि एक फेरेड में कितने यूनिट्स से कितना चार्ज है, कितना पोटेंशियल होता है, वो सब रिलेशन हम सेटअप करने वाले हैं. सी इज इक्वल टू क्यू बाय सी हमने फॉर्मूला सीख लिया, इसका डिफाइन हमने पढ़ा कि पोटेंशियल इज वन देन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स दिस द सी इज इक्वल टू क्यू. कैपेसिटर कैसा दिखता है, तो उसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, और इसमें दूसरी वाली प्लेट है ये अर्थ होती है. मैंने आपको बताया कि ये दो प्लेट्स कैसे बनी थी, तो एट वेरी फर्स्ट मैंने बोला था कि हम कंडक्टर लेंगे उसको चार्ज देंगे, चार्ज दिया हमने, इसके बाद साइड में एक दूसरी प्लेट रखे रखी, उस प्लेट की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव अर्थ में चला गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई प्लेट. इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमने कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया या कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है. कई दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग इसे कह देते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव और नेट मिला के कितना, जीरो. लेकिन नहीं, हमने जो चार्ज दिया था वो चार्ज इस प्लेट को दिया था, और जो चार्ज हमने इस प्लेट को दिया था वो प्लेट पर ही चार्ज क्यों ठहरा. मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया और इंड्यूस होकर यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, तो हमें तो इससे मतलब है ना, उसका नहीं है मतलब हमें कि वो क्या है, वो तो एक साइड में रखी हुई प्लेट है जैसा सही है. लेकिन यहाँ पर ये जो टोटल चार्ज स्टोर हुआ, दैट टोटल चार्ज इन द कैपेसिटर इज व्हाट, पॉजिटिव क्यू. माइंड इट, पॉजिटिव क्यू चार्ज स्टोर होता है किसी भी कैपेसिटर की प्लेट पर, जो कि मतलब आपसे पूछा गया कि चार्ज कितना होता है कैपेसिटर, आप कहेंगे चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन दिस प्लेट, जिस प्लेट पर आपने दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज आपने दिया उसको, तो ये आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात हुई कि हमने उसको चार्ज किया तो वो कितना चार्ज पर स्टोर होगा. ऐसा ऐसा सिंबल होता है, दो पैरेलल लाइंस और एक अर्थ से कनेक्टेड, एक के पास पॉजिटिव दूसरे पास नेगेटिव, और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी विद यूनिट्स. हमने कैपेसिटेंस का बहुत बेसिक सा बहुत सिंपल सा फंडा सीखा कि कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी है और उस क्यू बाई वी में हमें किस तरह का सिंबल यूज़ करना है. इसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और इसके मैथमेटिकल एक कोरिलेशन के साथ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इनको रिलेट करते हैं और कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ का कैपेसिटेंस निकाला करते हैं और उन सभी कैपेसिटेंस को यूज़ करके एनर्जी को कहाँ पे स्टोर किया जाता है. क्योंकि बेसिक अपना फंडा क्या था कि कैपेसिटी का एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है. अब यहाँ तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे तो हमने चार्ज स्टोर किया और उस चार्ज को स्टोर करने के बाद हमें एनर्जी का पता ही नहीं कि कहाँ पे स्टोर हुई है. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, कितनी स्टोर होती है, किस फॉर्मेट में स्टोर होती है, किस तरह के रिलेशन हम डेवलप करते हैं इसमें. अब तक हमने एक ही रिलेशन डेवलप किया, माइनस सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी. नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अगली स्टडी.